नमस्ते, जय हिंद। फ्रेम में जो आपको दिखाई दे रहा हमारे बैकग्राउंड में, आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये ग्राम सचिवालय है। योगी सरकार 2.0 में तमाम कल्याणकारी योजनाएं लाई गई, उन कल्याणकारी योजनाओं में से यह एक है। हर गांव में ग्राम सचिवालय इसलिए बनाए गए ताकि ग्राम सभा के जो मूलभूत सुविधाएं हैं या मूलभूत जो समस्या है, उस समस्या का समाधान यहां से किया जाए और मूलभूत सुविधा यहां से उनको ऑनलाइन के जरिए प्राप्त हो सके। जब सचिवालय हर ग्राम सभा में निर्माण हो रहा था तो सत्ताधारी पक्ष के छोटे से लेकर के बड़े नेता, उन तमाम नेताओं ने बड़े बड़े वादे करते दिखाई देते थे मंच से कि हर गाँव में सचिवालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि गांव के गरीबों को और गांव में रहने वाले अन्य लोगों को अपने समस्या के समाधान के लिए कहीं दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा और हर समस्या का समाधान, उनका निदान इसी सचिवालय पे मिल जाएगा। इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए जब हम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए इस सचिवालय पे आए तो यहाँ सच्चाई कुछ और ही निकला। एक तरफ सरकार तमाम वादे कर रही है और सरकार पैसे भी खर्च कर रही है गरीबों की सुविधाओं के लिए, लेकिन कुछ भ्रष्ट और मनभर अधिकारियों के कारण वो योजनाएं केवल फाइलों में दर्ज होकर के दब करके रह जा रही हैं। इस सचिवालय पे आपको बताएं, सप्ताह में एक दिन सचिव और एक दिन लेखपाल का आना होता है, ऐसे सरकार का निर्देश है, सरकार द्वारा कहा जा रहा है, तमाम नेताओं द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन आपको बताएं, इस सचिवालय पे ना तो सचिव साहब का दर्शन होता है और ना ही लेखपाल साहब का। छोटे से लेकर के बड़ी समस्या कुछ भी होता है, गांव के हर तबके के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अभी देखिए, सचिवालय बंद पड़ा हुआ है और यहाँ किसी का आता पता नहीं है, ना तो सचिव साहब आते हैं किसी दिन और ना ही लेखपाल साहब आते हैं। मात्र और मात्र सरकार द्वारा ये कहने और सुनने के लिए ही रह गया है कि हर समस्या का समाधान गांव में किया जाएगा। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि क्या सच्चाई है, सप्ताह में सचिव कितने दिन आते हैं या आते हैं कि नहीं। हमारे साथ तमाम युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। अभी देखिए, भाग रहे हैं लोग और ये कैमरा के पीछे बहुत बड़ा बड़ा अभिभाषण देते हैं लोग, लेकिन जब कैमरा आता है तो यही लोग भाग करके किनारे चले जाते हैं और बाद में आम आदमी अधिकारी और सरकार के ऊपर ही लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक। यही के रहने वाले हैं जी। इस सचिवालय को बने कितना दिन हुआ? लगभग बाहर रहते हैं फिर भी 4-5 महीना हुआ होगा। जब से आप आए हैं यहाँ पे कोई अधिकारी आते देखा आपने? नहीं, बंद रहता है, देखे तो नहीं है कभी, आते जाते रहते हैं, ऐसा बराबर यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन कोई किसी को देखे नहीं है। जो भी समस्या होता है, सरकार का ये कहना है कि सचिवालय हर गांव में बन जाएंगे तो छोटे से लेकर के बड़े समस्या का समाधान इसी सचिवालय केंद्र पे किया जाएगा। कोई अधिकारी आता है समस्या का समाधान करने? नहीं नहीं, कोई नहीं आता है। महिलाओं को या पुरुषों को या किसी को कोई समस्या होता है तो कहाँ जाना पड़ता है? कहीं जाते नहीं है सब, कोई अधिकारी आता ही नहीं तो कहाँ से समस्या का हल होगा? न प्रधान आते हैं न कोई आता है। सरकार तो कह रही है, बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि सचिवालय पे एक दिन सचिव और एक दिन लेखपाल आएंगे, कितने दिन आते हैं ये लोग? अभी तो हम लोग देखे नहीं, क्योंकि अभी आते जाते हम लोग हैं, क्योंकि हमारा बगीचा बगल में आते जाते हैं और ऐसा कभी हुआ नहीं कि आए और कोई यहाँ पर अधिकारी मौजूद हो। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आएंगे तो लोग देखेंगे, हमारा ही नहीं है बल्कि सभी लोग, और हम लोग अभी कई दिनों से देख नहीं रहे हैं और पता चला है सूत्रों के हवाले से कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो नए जो अधिकारी होंगे उनका नियुक्ति भी नहीं हुआ है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता, नियुक्ति तो हुआ होगा किसी का, या उससे पूर्व में जिनका नियुक्ति ग्राम सभा में चयन हुआ था वो कभी आते आपने देखा था उनको? नहीं सर, देखा तो नहीं था, क्योंकि बगल में आते जाते क्रिकेट हमेशा खेलते हैं इधर, जब से हम लोग घर पे रहे तब से यही है। किन की कमियां मानते हैं आप? सचिव या लेखपाल नहीं आते हैं, किन की कमियां मानते हैं? कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की कमी है, ग्राम प्रधान से लेकर ब्लॉक के अधिकारियों तक की कमी है, क्योंकि वो जांच पड़ताल अगर करते तो ये हमारे जो समस्या है कभी होती नहीं, और वो अगर अच्छी तरह से इसका देख रेख करते तो कहीं ना कहीं आज हफ्ते में एक बार लेखपाल और जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी वहाँ मौजूद जरूर होते हफ्ते में एक आध दिन। हमारे साथ यही के रहने वाले कुछ युवा थे और आप अभी तक इनके बयानों को सुन करके जरूर कहीं ना कहीं श्योर हो गए होंगे कि सचिवालय पे ना तो किसी भी दिन सचिव का आगमन होता है और ना ही लेखपाल का आगमन होता है।
जबकि इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने लगातार हर मंच से ये दावा करते दिखाई दिए कि जब सचिवालय का निर्माण हो जाएगा तो हर छोटे से बड़ी समस्या का समाधान इसी सचिवालय केंद्र पे किया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय, आपसे विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करता हूँ इस कैमरे के माध्यम से कि जो भी अधिकारी आपके नियमों के खिलाफ और आपके कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ चलता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करने की कृपा करें। अगर कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो ये तो बहुत छोटा सा भ्रष्टाचार है। ऐसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार को आगामी समय में ये लोग बढ़ावा देंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और गरीबों की जो कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए आप लोगों के द्वारा, चाहे सिस्टम में कोई भी बैठा उनके द्वारा जो योजनाएं लाई जाती है उन योजनाओं को ये लोग धरातल पर उतरने नहीं देंगे, केवल फाइलों में बंद करवा देंगे। तो निवेदन है आपसे कि ऐसे किसी भी सचिव, किसी भी लेखपाल और संबंधित कोई भी अधिकारी हो तो अगर आप अपने आप को ईमानदार सरकार मानते हैं, ईमानदार कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एक के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे तो 100 लोग अपने आदत में सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।